नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में और मैं हूँ रमेश सिंह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp के दो ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपका WhatsApp अकाउंट हैक है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आए दिन कई WhatsApp यूजर्स के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है। ऐसे में कहीं आपका WhatsApp अकाउंट भी हैक तो नहीं है, इसका पता आपको होना चाहिए। और पता चलने के बाद हैकर का एक्सेस कैसे रिमूव करना है ये भी आप इस वीडियो में सीख जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि WhatsApp अकाउंट हैक है या नहीं, इसका पता कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपका WhatsApp अकाउंट हैक है या नहीं ये जानने के लिए जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आपको अपना WhatsApp ओपन करके टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे। तो गाइज, इनमें से आपको लिंक्ड डिवाइसेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में WhatsApp अकाउंट को अपने ही अदर डिवाइसेस में लिंक करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज, यहाँ पर लिंक अ डिवाइस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ही 4 अलग अलग डिवाइसेस में लिंक कर सकते हैं और उन चारों ही डिवाइसेस में अपने एक ही WhatsApp अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस फीचर का बेनिफिट आपका ही कोई जानने वाला भी ले सकता है। आप थोड़ी देर के लिए किसी भी पर्सन को अपना फ़ोन देते हैं तो वो आपके WhatsApp अकाउंट को अपने डिवाइस से लिंक कर सकता है। अगर आपके WhatsApp अकाउंट को किसी ने हैक किया होगा तो यहाँ पर आपको लिंक अ डिवाइस ऑप्शन के जस्ट नीचे इस तरह से कोई अननोन डिवाइस शो होगा। तो गाइज, अगर ये आपका डिवाइस नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका WhatsApp अकाउंट हैक्ड है, कोई और भी है जो आपके WhatsApp अकाउंट की हर एक्टिविटी को देख रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको इस अननोन डिवाइस से अपने WhatsApp का एक्सेस रिमूव करने के लिए इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो गाइज, इसमें आप इस अननोन डिवाइस का लास्ट एक्टिव टाइम और लोकेशन देख सकते हैं। आप अगर इस अननोन डिवाइस का एक्सेस जल्दी से आप अपने WhatsApp अकाउंट से रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लॉग आउट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस अननोन डिवाइस का एक्सेस आपके WhatsApp अकाउंट से रिमूव हो जाएगा। और इस तरह से लिंक और डिवाइस ऑप्शन के जस्ट नीचे आपको कोई भी लिंक्ड डिवाइस शो नहीं होगा। अब जो दूसरा तरीका है दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि कहीं आपका WhatsApp अकाउंट हैक तो नहीं है, इसके लिए भी आपको टॉप राइट कॉर्नर में 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करना है और सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में WhatsApp सेटिंग्स के अलग अलग फीचर्स आपके सामने आएंगे। तो गाइस, यहाँ पर आपको चैट्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और चैट सेटिंग्स पेज में आपको स्क्रॉल करके बॉटम साइड में आना है और यहाँ पर आप चैट बैकअप का ये ऑप्शन देख सकते हैं, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ से आप अपने WhatsApp का बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने WhatsApp अकाउंट की बैकअप डिटेल पता चल जाएगी कि आपके कौन से गूगल अकाउंट में आपके WhatsApp का बैकअप अपलोड हो रहा है। यहाँ से भी दोस्तों, आपके WhatsApp अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन को कोई भी यूज़र हैक कर सकता है। मान लीजिए अगर आप थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन किसी पर्सन को देते हैं तो वो यहाँ पर गूगल अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी ऐड कर सकता है और इस तरह से बैकअप टू गूगल ड्राइव ऑप्शन पर क्लिक करके डेली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। इसके बाद डेली के डेली उस पर्सन के गूगल ड्राइव अकाउंट पर आपके WhatsApp का बैकअप अपलोड होता रहेगा और आपकी हर एक चैट को वो पढ़ सकता है, आप किस किस से क्या क्या बातें करते हैं उस पर्सन को पता चलता रहेगा। इसलिए दोस्तों, आपको यहाँ पर आके चेक करना है और गूगल अकाउंट ऑप्शन में अगर आपको कोई अननोन जीमेल आईडी शो होती है तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपकी सभी लॉगिन जीमेल आईडीज आपके सामने आ जाएंगी। तो इनमें से आपको किसी भी जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। तो इन दोनों ही तरीकों का यूज़ करके दोस्तों, आप अपने WhatsApp अकाउंट को हैकिंग से बचा सकते हैं, हैकर का एक्सेस अपने WhatsApp अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने WhatsApp अकाउंट पर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड को इनेबल कर देना है और फिंगरप्रिंट लॉक ऑप्शन को भी इनेबल कर देना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप WhatsApp की ये जानकारी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।